लड़की की अगर आप ऐसे तारीफ करेंगे तो वो तुरंत ही आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे और रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए कहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जब भी तारीफ़ करने की बात आती है तब हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि हम ऐसी कौन सी लाइन रट के जाए और उनके सामने बोल दें। ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है। हम कुछ भी बना बनाया घर से लेकर जाते हैं कि ये तो कहना ही कहना है। जैसे हम जाके कहेंगे कि आपके बाल बहुत अच्छे हैं, लेकिन पता बाद में चलेगा कि उनके बालों में तो जड़ने की प्रॉब्लम है, कोई ना कोई हेयर फॉल की दिक्कत है, तो फिर तारीफ़ गलत हो जाएगी। तो पहले से रटी रटाई तारीफ़ नहीं की जा सकती। तारीफ़ कैसे करते हैं ये समझे समझे कि आप स्कूल में साथ में बैठे हैं, कॉलेज में साथ में बैठे हैं, कोई पढ़ाई की बात चल रही है और आपको पता है कि वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छे हैं, इस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर बहुत ही अच्छे हैं। तो उस सब्जेक्ट की जब बात निकलती है तब आप कहते हैं कि इसमें कुछ आपकी जो मेथड से पढ़ाई करते हैं तो बहुत ही फ़ायदा होता है, आप जिस तरह से कुछ बातें बताते हैं, कुछ टिप्स इस सब्जेक्ट में देते हैं वो बहुत ही काम की होते हैं। इस तरह का कॉम्प्लीमेंट, इस तरह की तारीफ, इसमें सच्चाई भी है और पॉइंट या फिर ऐसे माहौल में, ऐसे चालू बात में आपने ये पॉइंट दिया है कि उनके दिल में ये बात बैठ जाएगी, बहुत ही अच्छा लगेगा सुनने में। क्यों? क्योंकि उस चीज़ की जब बात आई, जैसे समझ लीजिए कि आप क्रिकेट में बहुत ही अच्छे हैं, मुझे पता है, पर्टिकुलर मुझे ये भी पता है कि आप बॉलिंग में ज़्यादा अच्छे हैं, और जब बात निकलती है तब मैं अगर कहूँ कि बॉलिंग में आप जो बॉल बदलते हैं, जो डालते हैं, बहुत ही अच्छी डालते हैं, तो आपको ये तारीफ पॉइंट टू भी लगेगी और बहुत ही अच्छी फील कराएगी आपको। इससे आप मुझसे अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपकी तारीफ़ की, दूसरी बार भी मेरे मुँह से आप तारीफ़ सुनना चाहेंगे। तो इस तरह से लड़की की स्कूल कॉलेज में, अगर आप ऑफिस में साथ में या जिम में साथ में जाते हैं, कहीं पे कोई स्पोर्ट एकेडमी में साथ में जाते हैं, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप उनको तारीफ़ के तौर पे जब मौका मिले तब कह सकते हैं। ऐसा नहीं याद देख लिया तो तुरंत कहने चले, नहीं, जब ऐसी बात निकले तब कहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कई बार हम झूठी तारीफ़ करते हैं झूठी इम्प्रेशन झाड़ने के लिए, लेकिन ये हवाई महल या यूं कहे पत्तों का महल टूट जाता है। क्यों? क्योंकि झूठी तारीफ़ का कोई मतलब नहीं रहता। सच्ची तारीफ़ मैंने जिस तरह से माहौल में बताई, उसका सीधा इम्पैक्ट उनके दिल पे होगा, उनकी फीलिंग्स पे होगा, इससे वो आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। और आपको ये एक फ़ायदा ये भी होगा कि वो सामने से बात करने के लिए आने लगेंगे, आप खुद इस बदलते हुए चीज़ को देख पाएंगे। तो इस तरह से आप तारीफ़ करने के लिए ज़्यादा सोचिए मत, पहले से रटिए मत चीज़ें। जब भी आपको सच्चे माहौल में सच्ची चीज़ दिखे तब तारीफ़ कीजिए, इसका सीधा इम्पैक्ट होता है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप ऐसे कैसे लड़की के इम्प्रेस करने के लिए तारीफ़ करते हैं, कौन सी चीज़ कहते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड, वीडियो को देख रहे सारे GFBF राजा मजमू लाला, जो भी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई भी सवाल या सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर, लिव बेटर।